जब तक सूरज चांद रहेगा ये पार्टनर तुम्हारे साथ रहेगा। बंद करो अपनी ये बकवास। छोड़ो ये लड़ाई उड़ाई। लेट्स इमेजिन कि समय भाई और भाभी क्या बात कर रहे होंगे। मुझे तो लगता है कि भाई ने अभी तक अपने हथियार डाल दिए होंगे क्योंकि मर्द लोग थोड़े जिद्दी कम होते हैं ना। आई मीन भाभी ने नहीं डाले होंगे क्योंकि लड़कियां लोग थोड़ी ज्यादा जिद्दी होती हैं, तो उनको मानने में थोड़ा टाइम लगता है। सो आई थिंक सो। अच्छा यस, इसीलिए तो कहते हैं कि औरत से लड़ना बेवकूफी की बात होती है। कि तुम लड़कियों को सच में इतना बुद्धू समझते हो? हमारा बस चले ना, तुम्हें भरतनाट्यम से लेके ब्रेक डांस सब कुछ करा दे हम लोग। हमारे बिना तुम लोग मर्द नहीं, दर्द होते दर्द। अरे यार, तुमने मुझे कभी देखा उन्हें कहते हुए कि भाई तुम दोनों बाहर जाओ, शटर बंद कर दो और हमें अंदर छोड़ दो, बाहर की करो? कभी कहा मैंने ऐसा? क्या पता प्रॉब्लम क्या है, तुम सारी बीवियां ना एक्चुअली ऐसी कि बिना सोचे समझे कुछ भी कहती हो। नहीं, शादी के पहले तो ठीक ठाक थी, इतनी हाइपर नहीं थी, शादी के बाद बिल्कुल बदल गई हो तुम। किसने सही कहा भाई, सारी लड़कियां शादी के बाद बदल जाती हैं, उनका रंग ढंग, बात करने का ढंग, हाइपर, सब बदल जाता है यार। अच्छा, और पति नहीं बदलते? शादी से पहले हाँ जी और शादी के बाद क्यों जी? अरे मैंने कभी कहा ऐसा? तो मैं कहाँ बदली वीरेन जी? पार्टनर, तुमने मुझे माफ किया? नहीं। इट्स ओके, वैसे भी लड़कियां थोड़ा टाइम लगाती हैं सोचने के लिए। तुम्हें बड़ी नॉलेज है लड़कियों के बारे में। हाँ, तो फिर उन्हें समझ कर ही पाते हो तुम? क्योंकि डॉन की तरह उनकी समझ को पकड़ना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। हाँ मन्नू, मैं ठीक हूँ। टप्पू कितने देर में आ रहा है? भी आता ही होगा। आप ना डरना मत, आप इतना टेंशन क्यों ले रही हो? जीजू है ना आपके साथ? जीजू दी को ना थोड़ी हवा वगैरह करते रहना, क्या है ना दी का दम घुट जाएगा। टप्पू, शटर क्यों बंद है भाई? चाचा जी कुछ खराब हो गया, मैं भी चेक करता हूँ। एक्चुअली मैं देखने आया था कि मानवी कैसी है। अब मैंने उसे फोन किया था, वो कह रही थी कि पहले वाले सेशन के अभी तक साइड इफेक्ट्स पूरी तरह गए नहीं, तो मैं बस देखने चला आया। लेकिन मानवी ने तो मुझे कभी नहीं बताया कि उसे तकलीफ है। शायद वो आपको परेशान नहीं करना चाहती थी। बट एनीवेज, ये कुछ दवाइयाँ हैं, ये मैंने डॉक्टर बख्शीश के साथ कंसल्ट करने के बाद लिखी हैं, आप ये उसे ज़रूर दे दीजिए। और ये जो नीचे है एंटीऑक्सीडेंट्स, सप्लीमेंट के तौर पे आप दे सकती हैं, वो अच्छा फील करेगी। और बीजी, मानवी अपना दूसरा सेशन करवाने के लिए तैयार नहीं है। वो कह रही थी कि जब तक वीरेन और जीविका यहाँ से चले नहीं जाते, वो अपनी ट्रीटमेंट नहीं करवाएगी। मैंने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन ना, वो मानी नहीं। शायद आप उसे समझा पाए। मनन बेटा, जीविका और वीरेन आ रहे हैं और तुम्हें यहाँ देखकर तुम्हारे यहाँ होने का कारण जरूर पूछेंगे। बेटा, मैं नहीं चाहती कि उन्हें कुछ पता चले। जीवी जी, मैं चलता हूँ। नमस्ते। आने का बहुत बहुत शुक्रिया।